शेषा 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 मिल गई तुम्हें खुशी, कर लिया जो चाहा था। मैंने क्या चाहा शिवानिया? नफरत करती थी ना ऋतिक से, तुम करा ही नफरत का सौदा, वो दिए नफरत के बीच, हम दोनों के बीच। ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है या फिर तुम्हारा प्यार? ये उस इंसान का दर्द बोल रहा है जिसे चकनाचूर करके आई हो तुम। मैंने क्या किया तुम बताओ? जब मैं नहीं थी तो मेरे रूप में क्या किया तुमने? मैंने इस स्तर तक ऋतिक को टूटते हुए आज तक नहीं देखा। क्या किया तुमने उसके साथ? और उसने क्या किया शिवन्या? वो मेरे पास आ रहा था, मुझसे रिश्ता बना रहा था, मुझमें हक जता रहा था। वो इसीलिए शीशा, क्योंकि उसे लगा कि तुम शिवन्या हो। तो क्या मैं उससे प्यार कर लेती? प्यार करके वो सजा पाती जो एक नागिन को मिलती है इंसान से प्यार करने पर? तो तुमने उसे इस हद तक तोड़ दी। मुझे तोड़ने की क्या जरूरत है? अगर मैं चाहती तो उसी वक्त डस लेती उसे। लेकिन शीशा ने शिवन्या थी उसके लिए, कैसे शक होने देती उसे? वो तो कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ही दूरियां बनाए रखी। लेकिन कुछ तो है ऋतिक में, कोई तो शक्ति है जिसे अपने प्यार से वो किसी भी नागिन को अपने वश में कर सकता है। मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया, तो उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। हाँ, गई तो थी मैं इसी मकसद से, ताकि मिटा दूंगी वो प्यार जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दिखता है, ताकि तुम्हारा इंतकाम आसान हो जाए। तो तुमने जो सोचा तुमने वही किया? नहीं शिवन्या, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी जगह इस घर में आई। मैं जानती थी कि मुझे इस घर में ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़े और तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाए। पर आज वो मेरे इतने करीब आ गया कि वो मेरे साथ पति पत्नी का संबंध। पर कैसे? मैंने कभी ऋतिक को अपने करीब आने का इशारा नहीं दिया, कभी उससे प्यार नहीं जताया, तो फिर इतने करीब कैसे? पता नहीं शिवन्या, इंसानों के दिलों का हाल, पर शायद जो हुआ अच्छा हुआ। तुम ऋतिक से दूर जाओगी तो ही अपने मकसद के करीब आओगी। शीशा, मैं ऋतिक का ये दर्द देख नहीं सकती। शिवन्या, तो उस दर्द का क्या करोगी जब ऋतिक को पता चलेगा कि तुम एक नागिन, कि तुम उसके बाप को मारने आई हो? उस वक्त तुम्हें जो दर्द होगा वो कौन देखेगा? शिवन्या, जो हो रहा है होने दो, ऋतिक दूर जा रहा है तो जाने दो। दर्द का पहाड़ टूटने से अच्छा है के कतरों में ही दर्द का गुब्बार निकल जाए। देखो शिवन्या, गुरुदेव ने कहा है ना, तुम अपने मकसद को देखो बस। तुम्हें याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा है? कल रात चांद की साक्षी में पूजा करनी है तुम्हें, शक्तिधारी कलियुग अवतारी कृष्णा जी की पूजा करनी है। और शिवन्या, अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां वापस नहीं आएगी। ये ऋतिक कहाँ गया? उसने देखा तो होगा कि मैं यहाँ नहीं हूं। मैं वो घर के मंदिर में गई थी दर्शन के लिए। सफाई अजनबियों के नहीं, अपनों को दी जाती। ऋतिक, मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी, पर तुम इतनी गहरी नींद में थे तो स्टेट बॉक्स है, दवाई लगा लो।
मुझे भी तुम्हारे प्यार का एहसास है ऋतिक, पर प्यार मैं नहीं कर सकती। हमारे लिए इंसानों से प्यार सजा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और तुम नाराज? छोड़ो ये नाराजगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं रति की तरफ क्यों खींची जा रही हूँ? ऋतिक के साथ सिर्फ 2 दिन रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बरसों की यादें साथ आई हो। ये यादें क्यों याद आ रही है मुझे? क्यों? ऋतिक की तरफ खींची जा रही हूं मैं? ऐसी कौन सी शक्ति है ऋतिक में जो मैं समझ नहीं पा रही हूं? आओ ऋतिक, आओ शिवन्या। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों आ गए। बेटा, एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हमने कभी तुम पर शक नहीं किया बेटा, लेकिन अगर हम रम्या और शैलेश को जवाब नहीं देते तो वो एक बार फिर तुम पर उंगली उठाते। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब प्लीज माफी मत मांगिए, हालात ही कुछ ऐसे थे। वैसे भी कृष्ण महोत्सव है, जो होगा अच्छा ही होगा। भाग्य खुल गए मेरे जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। और जैसे तुमने कहा, कल हम कृष्ण उत्सव मनाएंगे। हम सब मिलकर कृष्णा को झूला झुलाएंगे, भजन कीर्तन भी होंगे, पंडितों को भी बुलाया मैंने। बेटा, पिछले दिनों से इस घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे एक अजीब सा माहौल हो गया है। हम पूजा करेंगे तो घर की शुद्धि होगी। कृष्ण भगवान यहाँ आएंगे तो एक बार फिर इस घर में रौनक आएगी। लेकिन हाँ, इस बार मैं चाहती हूँ कि बाल गोपाल को शगुन का पहला झूला तुम और शिवन्या झुलाओगे, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो जोड़ा बाल गोपाल को सबसे पहला झूला झुलाता है उनके घर में बहुत ही जल्द झूला आता है। माफ करना माँ, ऋतिक और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। हम नागिन इंसानों का संसार नहीं बसा सकती। बेटा, कृष्ण उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। नई दुल्हन का हाथ लगने से भगवान का श्रृंगार और भी खिल जाता है। आओ बेटा, मेरे साथ बैठो और हम दोनों मिलकर कृष्ण जी का श्रृंगार करेंगे। ये लो। तू ऐसे क्या घूर घूर के देख रहा है दोनों को? लगता है हमारे कल रात वाला प्लान ना फुस हो गया। देखो ना, कितने साठ रहे हैं। साठ तो रहेंगे ना भैया, कल रात रम्या आंटी ने इतना बड़ा नागिन का ड्रामा जो किया। वही तो, लगता है कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? आइडिया। भाभी भाभी, चलो ना हम मंदिर पे तोरण लगा देते हैं। जा बेटा, आओ अंगद, मेरी मदद करो। जी। ऐसे नहीं चढ़ पाओगी शिवन्या। चढ़ा लो चढ़ा लो, आई मीन चढ़ जाओ। चढ़ जाओ इस पे। टेंशन मत लो, मैं थ्रोट टाइट पकड़ा है मैंने। हिलो, हिलो,
जितना पकड़ो आराम से। हाँ हाँ हाँ, हमने बहुत टाइट पकड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं गिरोगे आप। लगाओ तोरण। हाँ आई, एक मिनट। अमिता दीदी क्या कर रहे हो आप? ये स्टूल हिल रहा है, ठीक से पकड़िए ना। हाँ मुझे लगा मैं हिल रही हूँ। शिवान्या, क्या हुआ? कुछ और सुनाना बाकी रह गया क्या जो फिर चले आए? हाँ बचा था। माफी शिवन्या। शिवन्या, रम्या से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। रम्या? हाँ बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, आप प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं थी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, कल हम सब मिलकर कृष्ण उत्सव मनाएंगे। कृष्ण उत्सव, जय श्री कृष्ण। आओ रम्या, आइए भाई साहब। जरूरत क्या थी? हाँ क्या जरूरत थी उससे माफी मांगने की, हाथ जोड़ने की? और तो और मेरे से भी माफी मंगवा ली। ये शिवन्या ना झूठी कहानियां गढ़ रही है। नागिन है, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। और गुरुमा तो बिल्कुल जल्दी हो गई है, नागिन को खत्म करते करते उसकी तो सारी शक्तियां खत्म हो गई है। मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती, नागिन है वो शिवन्या। रिलैक्स रम्या, रिलैक्स। कभी कभी हाथ जोड़ के भी हाथ तोड़े जाते हैं। मैंने उससे माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया। अब उसकी नजरें मुझे नहीं ढूंढेंगी, लेकिन मेरी नजरें हमेशा हर पल उस पर रहेंगी। कृष्ण उत्सव में मैं हमेशा वहीं रहूंगा, उसके आसपास। एक बात तो जरूर है, शिवन्या नागिन हो ना हो, लेकिन उसका नागिन से कोई कनेक्शन जरूर है। याद है उस दिन तन्वीर ने मुझसे क्या कहा था? मैंने खुद आज उसकी बात सुनी। वो फोन पे किसी से कह रहे थे कि मैं जिस मकसद से आई हूँ यहाँ, उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मॉम, आई वाज शॉक्ड, शी इज डैम स्मार्ट। पता नहीं वो किस मकसद से उस घर में आई है। तन्वीर ने शिवन्या को बात करते सुना था तो वो जरूर किसी नागिन से बात कर रही थी। तन्वीर ने यह भी सुना था कि उसने ऋतिक से शादी किसी मकसद से की है। अब ये वो मकसद क्या था और उस लड़की का राज क्या है, ये तो मैं जान के रहूंगा। खैर मुझे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ। हेलो। हाँ सर। एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसे किडनैप करना है कल। लड़की? बाकी क्या करना है वो मेरा काम है। ठीक। शिवन्या तू नागिन है या नागिन की हमराज, ये कल पता चल जाएगा। पूजा का समय हो गया है, शिव मंदिर जाना होगा।
तुम्हें तो बुखार है। मैं ठीक हूँ। मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। नहीं, उन्हें मत उठाना, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ऋतिक, हमारा झगड़ा एक तरफ और तुम्हारी तबीयत एक तरफ, तुम किसी को बुलाने से भी मना कर रहे हो। नहीं कुछ करती हूँ। क्या शिवन्या अपनी पूजन नहीं कर पाई, वो मंदिर नहीं आई? नहीं गुरुदेव, जब वो ऋतिक उसके आसपास होता है पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो भूल जाती है कि वो एक नागिन है, वो भूल जाती है अपना इंतकाम। ये तो अनर्थ हो गया, उसे पूजा करनी ही होगी, नहीं तो वो अपनी शक्तियाँ कैसे पाएगी, अपनी मूल शक्तियों में कैसे आएगी? आप ही कोई उपाय बताइए गुरुदेव। शिवन्या दुश्मनों से घिरी हुई है और उसके पास शक्तियाँ भी नहीं है, पता नहीं कब कौन दुश्मन घात कर दे। मैं रहूंगी उसके साथ, डस लूंगी सबको, मैं जा रही हूँ। रुको शिशा, तुम उसके पास नहीं जा सकती। लेकिन क्यों गुरुदेव? क्योंकि एक इच्छाधारी शक्ति दूसरी इच्छाधारी शक्ति को जागृत कर सकती है। और तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं, मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लाऊंगी। मेरी आंखों में देखो। हाँ गुरुदेव, मैंने देखा है। हमें कृष्णा की आराधना करनी होगी, दोनों को एक साथ पूजा करनी होगी। पूजा 6 घंटे तक चलेगी। पूजा संपन्न होने तक हमें वहीं बैठे रहना होगा। अगर हम बीच में उठ गए तो पूजा खंडित हो जाएगी और शिवन्या को उसकी शक्तियां कभी वापस नहीं मिलेंगी। हमारे पास अब एक आखिरी उपाय है, हमें कन्हैया को प्रसन्न करना होगा। उन्हीं के आदेश पर कालियानाग शिवन्या को उसकी शक्तियां वापस कर देगा। लेकिन गुरुदेव, शिवन्या को मेरी जरूरत है। शेषा, शिवन्या के सिर पर शिवजी का हाथ है और शिवजी उसके साथ हैं, उसे कुछ नहीं होगा। जी गुरुदेव। शिवन्या की रक्षा करना भोलेनाथ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। किस खुशी में? तुम्हारा पति हूं उस खुशी में, तुम्हें खुश करने की खुशी में। तुम्हें सुहागरात पे कुछ नहीं दिया ना? I mean, सुहागरात नहीं हुई तो क्या हुआ? गिफ्ट तो बनता है ना, प्यार वाला गिफ्ट। वो पति अपनी पत्नियों को क्या क्या नहीं देते, तो मैंने सोचा मैं भी दे दूं, मैं क्यों पीछे हटूं। वैसे इसे पहनकर तुम बहुत सेक्सी लगोगी। मुझे नहीं पहनना। अरे इतने प्यार से लेकर आया हूँ, पहनना तो पड़ेगा। कहाला, नहीं पहनूंगी। अरे देख तो लो एक मिनट। नहीं, देखूंगी तो बोलोगी कि आप पहन के दिखाओ, मुझे नहीं देखना। बिल्कुल सही कहा, देखो और पहनो। एक मिनट मैं खोलता हूँ, देखो तो सही। इतना प्यारा लहंगा है, बहुत खूबसूरत है। तो पहनोगी ना? ऋतिक, इस तरह मुझसे नाराज मत रहो, बहुत बुरा लगता है। शिवन्या जा बेटा, शगुन का पहला झूला झूला। Thank you.
आशीर्वाद दो कृष्णा, आशीर्वाद दो कि मैं अपने सारे दुश्मनों को मिटा सकूं। मुझे मेरी शक्तियां दो कृष्णा। शिवन्या, अगर तू नागिन है तो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जाने क्यों आज पहली बार इंसान बन के जीना अच्छा लग रहा है। आज पहली बार प्यार की आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है। शिवन्य, रम्या कान्हा के लिए कुछ प्रसाद लाई थी लेकिन लगता है भूल गई है। आप ले आएंगे? सुनो, वो बाहर आ रही है, काम हो जाना चाहिए, समझे? पूजा का समय हो गया है, मैं कृष्णा का जाप करूंगा, तुम आहुति डालोगी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों? तुझे बायोडेटा चाहिए? शादी करेगी? बहुत सॉलिड आइटम है, गिफ्ट लेगी? साड़ी दूं? अरे साड़ी देगा लेगा। जा, बॉस को बोल दे लड़की डाल दी फैक्ट्री में। जवानी में बहुत आ गए, बहुत भागम भागे। ये ऐसे नहीं मानेगी। बिल्लू, देखते हैं कितनी आ गए। अरे बॉस ने तो सिर्फ इसको यहाँ लाने के लिए बोले थे। अरे लाया ना, ये सुसरी है ही इतनी खूबसूरत, इसे देख के मन मचल जाता है। बोलो, काम हो गया? गुड, हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कहाँ जा रहे हो पूजा छोड़ के? पता है ना आपको पूजा छोड़ के जाना कितना अशुभ होता है। अशुभ तो आज उस नागिन के साथ होगा। मैंने कहा था ना, मैं उस नागिन की असलियत सामने लाकर रहूंगा। समझ लो सामने आ चुकी है, बस पर्दा उठाना बाकी है। आज मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। कि नागिन के पास गए, इतनी डेंजरस है वो नागिन, पता नहीं क्या समझते अपने आप को, उससे पंगा लेने चले। कुछ हो गया तो हे रब्बा। क्या हुआ आंटी, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? बेटा तेरे अंकल ना नागिन के पीछे गए, तुझे तो पता है वो कितनी खतरनाक है। वीरेन अस्पताल में सूरी भाई सबको तो उसने मार ही डाला, कहीं इनके साथ भी कुछ। बेटा प्लीज जाके उनको रोकना बेटा प्लीज। अच्छा आंटी, आप डरो मत, मैं अंकल को जाके देखता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। ओके जल्दी जा बेटा। तू
श्री कृष्ण द्वारका के द्वारों से आ, यमुना के धारों से आ, आज मेरी मान बचा ले, अभिमान बचा ले, सम्मान बचा ले। ये कलयुग है कलयुग, यहाँ कोई कृष्ण नहीं आएगा तुझे बचाने। पकड़ो। श्री कृष्ण कृष्ण कल फोन उठाइए। शिवन्या नागिन, नागिन है। गुरुदेव, मैंने अभी अभी शिवन्या की आवाज सुनी, वो मुसीबत में, मैं जा रहा। रुक जाओ शेषा, डरो मत, वो आ गई है, वो वापस आ गई है अपने असली रूप में, अपनी शक्तियों में, अपने उफान पर। तूफान उसके अंदर है, अब वो दुश्मनों का सामना करने के लिए निडर है। जय श्री कृष्ण। पता था तू नागिन है, मुझे मारने आई है। वाह, मारना, तू मुझे नहीं मार सकती। जानती है क्यों? ये है गुरु मां की अंगूठी। हाँ, मार, मार मुझे, मारना, आना पास, मारना मुझे।
मार। आजा, आजा। क्यों? डर लग रहा है? डर लग रहा है? तूने सबको मारा, लेकिन तुझे लगा कि तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुझे मारूंगा, आज ही मारूंगा और जरूर मारूंगा। डर लग रहा है? डर लग रहा है? पीछे पीछे जा रही है, दीवार तक जाएगी? जा, कहां तक भागेगी? भाग। लेकिन आज तू बचेगी नहीं, आज तेरी मौत निश्चित है, और वो भी मेरे हाथों। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मर गई तू नागिन, मर गई। वो आ गया, बंसी बटवाला, जमुना तटवाला, गोकुल का राजा आ गया। कहा था उसने जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म का वास होगा, पाप होगा, तुझ जैसा श्राप होगा। जब जब औरत की चित्कार होगी, उसकी इज्जत तार तार होगी। वो आएगा, राधा का वो मोहन, जन जन की राधा की आन है, इस कलयुग का भगवान है। हर युग में हजारों कंश हैं, तो कृष्ण भी है। कृष्ण ने कहा था, बल को बल से काटो, छल को छल से काटो। देख, छल कट गया, देख उसका चक्र चल गया, देख तेरा हाथ तेरे शरीर से उधर गया। गुरु माँ की दी हुई अंगूठी पिट गई, तेरा हाथ पिट गया। शिवन्या, शिवन्या है नागिन है या कोई और? मैं उस शिव मंदिर की पहरेदार, जिनके द्वार आज भी उन दोनों की मृत्यु के लिए रोते हैं। मैं उस शिव की पुजारण, जो उन हत्यारों को एक मौत में 100 जिंदगियां रुलाने के लिए इंतजार कर रही है। मैं उनकी बेटी हूँ, जिसकी माँ को उसके पति के साथ जोड़े से मार दिया तूने। उस इच्छाधारी नागिन की मृत्यु की साक्षी हूँ, जिसको उसके पति के साथ मार दिया तुम लोगों ने। नागमणि को प्यार करने वाले, उसकी रक्षा करने वालों को मारने का मतलब जानता है तू? 100 वर्षों बाद भी एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेने के लिए आती है। उसी इच्छाधारी नागिन की बेटी हूँ मैं, देख ले। उस रात तूने मुझे नहीं देखा, पर मैंने देखा तुझे मेरे माँ बाबा की हत्या करते हुए। उसी रात तेरे मौत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी मैंने। उसी रात हो गया था शुरू मेरा इंतकाम। मणि के लिए मारा था ना तूने मणि के रखवालों को? अब बता, बता वो मणि कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तू मार भी डालेगी तो भी नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं बताएगा तो उसे क्या जवाब देगा? इंसान खाली हाथ आता है, लेकिन खाली हाथ जाता नहीं, अपने पाप और पुण्य की कमाई साथ लेकर जाता है। पुण्य किए तो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ाती है, पाप किए तो नरक के आग में जलाती है। बता दे। नहीं बताऊंगा। भगवान की उस मणि को छिपाएगा तो जहन्नुम की आग में चलेगा, बताएगा तो जन्नत पाएगा। बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मणि तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, पर आज, आज तुझे मणि के लिए नहीं, अपने माँ बाबा की आत्मा की शांति के लिए मारूंगी। देख ले, देख ले। नागिन का इंतकाम, देख ले नागिन का ये रूप।